हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज़ घनश्याम बोडकर। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 रीजंस व्हाई यू शुड बाय द बजाज प्लैटिना एज गियर। नंबर 1 रीज़न है इट्स इंजन। तो गाइज, यहाँ पे आपको 115 सीसी का एयर कूल्ड DTSI टाइप इंजन मिलता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 8.5 हॉर्स पावर एंड ये प्रोड्यूस करता है 9.81 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। गाइज, यहाँ पे आपको मिल जाता है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाला गियर बॉक्स। तो यहाँ पे बजाज ने एक एक्स्ट्रा का गियर ऐड कर दिया है, जो कि हाईवे गियर है एंड ये आपको हाई स्पीड स्टेबिलिटी आपको डिलीवर करेगा। साथ ही साथ में ये इंजन आपको स्मूथ परफॉर्मेंस एंड स्ट्रेस फ्री हाईवे राइडिंग आपको प्रोवाइड करने वाला है। तो ये सबसे अच्छी बात है इस बाइक के इंजन के बारे में। सेकंड रीज़न है इसका राइड कंफर्ट। तो गाइज, यहाँ पे राइड कंफर्ट के लिए आपको टेलीस्कोपिक टाइप फ्रंट फोक्स मिल जाते हैं, जो कि 135 mm ट्रैवल कर सकते हैं। एंड गाइज, यहाँ पे आपको रेयर में मिल जाते हैं ड्यूल शॉक एब्जॉर्बर्स, जो कि 110 mm ट्रैवल करते हैं। इसी के साथ में गाइज, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना, ये सेगमेंट में हाईएस्ट है। यहाँ पे आपको 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। किसी भी बैट पैचेस से एंड स्पीड ब्रेकर से आप आसानी से ट्रैवल कर पाओगे। आपको ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं आएगा। बाइक की जो एंड अंडरबेली है वो कभी भी किसी भी जगह पे नहीं हिट होगी, तो राइडिंग कंफर्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। साथ ही साथ में गाइस, इसकी जो सीट है ना वो काफ़ी अच्छी है, बहुत ही अच्छी कुशनिंग यहाँ पे इन्होंने दी है। ग्रैब रेल ग्रैब करने के लिए काफ़ी अच्छा है एंड ये जो फुट पैक्स आप देख रहे हो, फुट पैक्स भी काफ़ी अच्छे है। यहाँ पे रबर का ग्रिप इन्होंने दिया है, उसके कारण आपको राइड कम्फर्ट काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। थर्ड रीज़न है एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंटल कंसोल। तो गाइज, यहाँ पे आपको पार्टली एनालॉग एंड पार्टली डिजिटल टाइप इंस्ट्रूमेंटल कंसोल मिलता है। यहाँ पे जो स्पीड है आपको एनालॉग साइड में डिस्प्ले करेगा एंड फ्यूल गेज, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, ये सभी इंफॉर्मेशन आपको डिजिटल फॉर्म में मिल जाएंगे। तो गाइज, यहाँ पे आपको सेगमेंट फर्स्ट गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है। फोर्थ रीज़न है इम्प्रूव्ड ब्रेकिंग। तो गाइज, यहाँ पे आपको एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। इसका मैंने एक टेस्ट राइड लिया है, तो ब्रेकिंग इसका काफ़ी आसान है। आप चाहे फ्रंट ब्रेक हिट करो या फिर रेयर वाला ब्रेक हिट करो, आपको ब्रेकिंग के लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। नॉर्मली यहाँ पे व्हील लॉक नहीं होता है एंड आपका बाइक स्किड नहीं करेगा। साथ ही साथ में गाइज, यहाँ पे ब्रेकिंग और भी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट में सिंगल डिस्क का ऑप्शन भी यहाँ पे इन्होंने दिया है। तो जो आपका डिस्क वाला वेरिएंट है, ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। ब्रेकिंग काफ़ी आसान लगती है, बहुत ज़्यादा एफर्ट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे इंप्रूव्ड ब्रेकिंग आपको मिलती है। लास्ट पॉइंट गाइज, ये सबसे खास पॉइंट है इसकी फ्यूल इकोनॉमी। तो गाइज, बजाज की बाइक फ्यूल इकोनॉमी वो तो आपको हायर साइड में ही मिलने वाली है। गाइज, यहाँ पे आपको सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमी मिलती है, 76 किलोमीटर पर लीटर ऑफ माइलेज यहाँ पे ये बाइक आपको डिलीवर करेगी, तो जो कि काफ़ी अच्छा माइलेज है। गाइज, यहाँ पे आपके पेट्रोल के दाम कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं एंड गाइज, यहाँ पे आपको फ्यूल इकोनॉमी भी अच्छी मिलने वाली है। 115 सीसी बाइक, 5 स्पीड गियर बॉक्स एंड 76 km ऑफ माइलेज, जो कि काफ़ी अच्छा पैकेज है आपके लिए। तो अगर गाइस आप ये बाइक परचेस करना चाहते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इसका कम से कम एक बार टेस्ट राइड ले लीजिए। इसका राइड कंफर्ट चेक कीजिए, इसका इंजन की स्मूथनेस कितनी है वो चेक कीजिए। मैंने राइड करके देखा है, इंजन का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथ इंजन है। राइड कंफर्ट इसका काफ़ी बेहतर है एंड इस तरह के जो भी फीचर्स, जस्ट लाइक डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल कंसोल, साथ ही साथ में गियर पोजीशन इंडिकेटर, ये आपको सेगमेंट में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। बजाज ने सिर्फ ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया है। काफ़ी अच्छी फीचर पैक ये बाइक है, तो आप अगर परचेस करना चाहते हो तो एक बार टेस्ट राइड ज़रूर ले लीजिए। ओके गाइस, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक बटन हिट करना ना भूले, साथ ही साथ में मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ या फिर न्यू बाइक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना यार।